गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ और ट्रेन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये टॉपिक करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, यानी चार समय आरेख क्या होता है। देखिए, इसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ईजी है। आप यहाँ पे दो आरेख दिख रहे हैं, चार समय आरेख। अब अगर हम देखा जाए हमें, तो चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। अब हमारे पास अगर चाल और समय है, तो आप देख सकते हैं इससे हमें क्या मिलेगा, दूरी। ठीक है, अगर हम एक्स अक्ष पर दूरी को, अगर हम एक्स अक्ष पर समय को दर्शाते हैं और वाई अक्ष पर चाल को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर भी हम समय को दर्शा रहे हैं और चाल को दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, दूरी। कैसे मिलेगी, देखिए, ये जो आरेख है इसका क्षेत्रफल आपको क्या देगा, दूरी। तय की गई दूरी क्या होगी, आरेख का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या है, u मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, u मल्टीप्लाई बाय टाइम, इससे आपको मिल गई ये दूरी। इस वाले आरेख का हो गया सॉल्व। अब अगर इस आरेख से मुझे दूरी निकालनी है, तो इसमें आप देखिए दो चीज दे रखी है, एक तो आयत दे रखा है ओ ए सी डी प्लस एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड करते तो हमें तय की गई दूरी मिल जाएगी। इसीलिए इसमें आयत ओ डी सी ए का क्षेत्रफल प्लस क्या ले रखा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, u मल्टीप्लाई बाई टी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ टी। और ये वाली दूरी आपको कैसे मिलेगी, ये वाली लंबाई कैसे मिलेगी, ये कैपिटल वी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग को हम माइनस करेंगे अगर इसमें से, तो ये वाली दूरी आ जाएगी। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर हम इस वाली दूरी को माइनस करेंगे इस दूरी में से, तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी बी सी। ठीक है, तो हाफ टी वी माइनस यू, इसे हम सॉल्व करेंगे, यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। यू टी और यू टी की क्वांटिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हाफ वी टी प्लस हाफ यू टी, हाफ टी हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, वी प्लस यू। तो ये आ गई तय की गई दूरी। तो ये बहुत सिंपल है कि चार समय आरेख हमें दूरी देता है। तो जब भी आपके पास ऐसे डायग्राम है, आपको क्या मिल रहा है, इससे दूरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक और जो हमारा टॉपिक है, मोशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन, यानी दो स्टेशन के बीच रेल की गति। देखिए, इसमें दो केस दे रखे हैं आपको। पहला केस ये दे रखा है कि एक ट्रेन स्टेशन वन से चलती है, एक ट्रेन स्टेशन वन से चलती है, पहले विराम अवस्था में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो दे रखा है। अब ट्रेन स्टेशन वन से चलेगी और चलते चलते वो क्या स्पीड ले लेगी, अधिकतम वेग को v ले लेगी, कैपिटल v। ठीक है, तो जीरो से कैपिटल v वेग के दौरान उसने कितना त्वरण रखा, f। अब अधिकतम गति पाने के बाद, यानी v पे आने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और एक जगह जाके वो रेस्ट पे आ जाएगी। यानी अधिकतम वेग से वेग जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, मंदन। स्टेशन टू पे आके रुकी जीरो वेग पे, तभी रुकेगी ट्रेन जब उसका वेग जीरो होगा। तो फर्स्ट केस तो हमारा हो गया ये, दो स्टेशन के बीच रेल की गति। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में ये है कि अगर सपोज कीजिए एक ट्रेन विराम अवस्था से स्टेशन वन से चलती है एफ त्वरण के साथ। ठीक है, एफ त्वरण के साथ चल रही है, अधिकतम गति वी लेती है। ठीक है, यहाँ पे उसने वी ले ली, उसके बाद एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब है एफ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया, यानी त्वरण में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। कुछ टाइम तक ट्रेन इसी स्पीड से, यानी अधिकतम गति से चलती है,
और वो टाइम यहाँ पे दर्शा रखा है, मतलब वो जो स्ट्रेच है वो ये दर्शा रखा है, वी से वी तक ही गति रहती है उसकी, इसलिए त्वरण में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। फिर कुछ टाइम अधिकतम गति के साथ चलने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करने लगती है और ज़ीरो पे आ जाती है स्टेशन टू पे। देखिए फर्स्ट केस और सेकंड केस में बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो वी गति से बहुत चलती नहीं है बहुत देर तक, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और यहाँ पर ये वी गति से कुछ देर तक चलती है उसके बाद मंदन आता है। तो बस ये केस है, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरी भी मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो उसको एक बार पढ़ लें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि फर्स्ट केस में स्टेशन S1 से विराम अवस्था से चली, त्वरण के अधीन गति बढ़ती हुई अधिकतम V तक पहुँची और फिर मंदन हुआ इसलिए V से ज़ीरो हो गया, जबकि सेकंड केस के अंदर स्टेशन S1 से विराम अवस्था से चली, F त्वरण के अधीन अधिकतम गति V ली उसने, फिर कुछ समय तक वो V गति पे ही रही। जब वो कुछ समय तक V गति पे रहेगी तो अंत F ज़ीरो रहेगा क्योंकि किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा वेग में। उसके बाद धीरे धीरे जब उसे स्टेशन टू पे पहुंचना है उसकी गति कम हुई यानी मंदन हुआ और वी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड वो हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल्स 11 किलोमीटर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट हाफ मिनट, देन रन्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 5 मिनट्स एंड फाइनली रिटार्ड्स टू एंड इन रेस्ट इन लास्ट हाफ मिनट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एंड मैक्सिमम स्पीड। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से रवाना होकर 11 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे स्टेशन पे 6 मिनट विराम से पहुँचती है। रेल की चाल प्रथम आधे मिनट में समान रूप से त्वरित होती है तथा अंतिम आधे मिनट में समान रूप से मंदित होती है तथा शेष 5 मिनट में एक समान रहती है। तो ज्ञात कीजिए त्वरण, मंदन और अधिकतम चाल। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें अगर आप देखें तो एक स्टेशन रवाना होकर 11 किलोमीटर दूसरे स्टेशन पर टोटल टाइम, टोटल जो दूरी वो तय कर रही है वो है 11 किलोमीटर और टोटल टाइम जो लग रहा है उसे 11 किलोमीटर तय करने में वो है 6 मिनट। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रथम आधे मिनट में ये देखिए मैंने प्रथम आधा मिनट दर्शा रखा है, प्रथम आधे मिनट में वो समान रूप से त्वरित होती है यानी वेग बढ़ रहा है, स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये F1 मैंने दर्शा दिया। अंतिम आधे मिनट में मंदित होती है मतलब कम हो रही है और शेष 5 मिनट में समान रहती है, ठीक है। पहले आधे मिनट में बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, अंतिम आधे मिनट में स्पीड कम हो रही है इसलिए यहाँ मंदन है और शेष 5 मिनट में समान रहती है मतलब यहाँ पर F क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखिए हमने ये टाइम वगैरह सब लिख लिया, ये हमने आरेख बना लिया, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देगा, तय की गई दूरी, और तय की गई दूरी कितनी है टोटल 6 मिनट में 11, इसलिए मैंने यहाँ पर 11 लिखा है। इस आरेख का क्षेत्रफल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस आरेख का क्षेत्रफल हमें तय की गई दूरी देगा और तय की गई दूरी हमें गिवन है 11 किलोमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा है, इज इक्वल टू ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस आयत बी सी डी ए का क्षेत्रफल, या इसे आप ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, प्लस डी सी ई का क्षेत्रफल। अब हम इन सबके क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। देखिए अधिकतम चाल यहीं पे रहेगी क्योंकि ये त्वरित होकर
BC में समान वेग से चलती है, इसलिए ये कैपिटल भी अधिकतम चाल को दर्शा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, हाफ त्रिभुज का हाफ और मल्टीप्लाई बाय हाफ जो टाइम है, अभी हम मिनट में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय वी प्लस आयत का वी मल्टीप्लाई बाय 5 और इस त्रिभुज का हाफ ये वाला डी ई मल्टीप्लाई बाय सी डी मतलब हाफ वी। क्लियर, इसे हम सबको सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे 4 और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 वी बाय 2। अब 11 इज इक्वल टू 11 बाय 2 वी तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आ गया हमारा v इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर मिनट। ये इसलिए आया क्योंकि हमने किसी भी इकाई को चेंज नहीं किया, मिनट में टाइम था हमने टाइम मिनट में लिया और ये किलोमीटर में था इसलिए हमने किलोमीटर में दूरी ली तो हमारा आ गया किलोमीटर पर मिनट। अब हम लास्ट में मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से। तो हमारी जो अधिकतम चाल है वो आ गई 100/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें निकालना है त्वरण। तो देखिए त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F1 अगर आपको निकालना है त्वरण तो AB अपॉन ये हमने ऐसे निकाला है OAB में झुकाव कितना होगा tan थीटा, tan थीटा क्या होगा AB अपॉन OA। ये देखिए हम डायग्राम देख लेते हैं ऊपर आपको और इजी रहेगा। F1 OAB में झुकाव ये हम tan थीटा निकाल रहे हैं, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AB अपॉन OA। और अगर हमें ये निकालना है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा CD अपॉन DE। इस तरीके से हम त्वरण निकाल रहे हैं। ठीक है तो त्वरण हमने ऐसे निकाल लिया AB अपॉन 30, ये 30 क्यों आया क्योंकि हाफ मिनट था इसे मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F2 भी आपका आ गया 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस फर्क ये है कि ये त्वरण है F1 और F2 मंदन है। तो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये आपका कंप्लीट होता है ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो हम करेंगे, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम सेम स्टेशन मूव्स ऑन पैरेलल ट्रैक्स, फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल विद हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 22 मीटर पर सेकंड, सेकंड ट्रेन स्टार्ट्स 40 सेकंड लेटर विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एंड अटेन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 44 मीटर पर सेकंड, When will the second train catches the first train? दो गाड़ियां एक स्टेशन से समांतर पटरियों पर चलती है, पहली गाड़ी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है और 22 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, दूसरी गाड़ी 40 सेकेंड बाद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और अपनी अधिकतम चाल 44 मीटर पर सेकंड प्राप्त करती है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कब पकड़ेगी। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कब पकड़ेगी, तो हम क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सपोज करते हैं कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को 30 सेकंड बाद पकड़ेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पहली गाड़ी को चले गए 40 सेकंड हो गए हैं। ठीक है, देखिए ये हम डायग्राम से और आपको इजी होगा, अगर हम सपोज करते हैं कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को टी सेकंड बाद पकड़ेगी तो पहली गाड़ी का ये दे रखा है त्वरण, ये टाइम कितना लगाती 44 सेकंड, स्पीड 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सेकंड ट्रेन का ये दे रखा है हमारे पास त्वरण 44 मीटर पर सेकंड और 44, क्लियर 44 सेकंड टाइम है। अब अगर हम कह रहे हैं दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को टी सेकंड बाद पकड़ेगी
इसका क्या मतलब हुआ कि एक गाड़ी चल चुकी है, ठीक है, 40 सेकंड पहले, ठीक है, तो टी प्लस 40 उसका टोटल टाइम हो गया जब वो उसे पकड़ती है, और दूसरी गाड़ी ने टोटल टाइम कितना लिया है, टी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए एक कार 10 मिनट पहले चली है, ठीक है, और दूसरी कार पहली कार को 10 मिनट, पहली कार 10 मिनट पहले चली है और दूसरी कार पहली कार को टी सेकंड बाद पकड़ती है, तो टोटल टाइम पहली कार का कितना हो गया, टी प्लस 10 मिनट, और सेकंड ट्रेन का और सेकंड कार का कितना हो गया, बस टी मिनट, ठीक है, उसने तो टोटल टाइम ही इतना लिया है, इसलिए हमने ये लिया। अब अगर आप इसे देखें, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट ट्रेन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, यहाँ पर उसने अधिकतम वेग कितना लिया, 22, u कितना है 0 प्लस f कितना है 0.5 t, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे हमने 44 लिया है, टोटल टाइम t प्लस 40 है, इसलिए यहाँ पे t माइनस 4 आया है, ठीक है। और सेकेंड ट्रेन में ये 44 सेकेंड बाद इतना टाइम अचीव कर लेती है, ठीक है, इतनी स्पीड को अचीव कर लेती है, तो यहाँ पर क्या है, टी और 44, तो ये आपका क्या बचा, टी माइनस 44, क्लियर। अब देखिए, बाद में दोनों गाड़ियां एक समान वेग 22 मीटर पर सेकंड तथा 44 मीटर पर सेकंड के वेग से चल देगी, ठीक है, एक टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी यही हो गई, तो ऑब्वियसली आप देखिए दूसरी गाड़ी की जो वेग है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पहली गाड़ी को पकड़ ही लेगी, पर इस दौरान दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अगर आप सोचिए एक कार कम स्पीड से चल रही है, जैसे कि इसमें बोला है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ट्रेन, ठीक है, वो भले पहले निकल गई 40 सेकंड पहले या थोड़ी देर पहले निकल गई, ठीक है, पर दूसरी ट्रेन की अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो उसे कैच कर लेगी, तो कैच करेगी तो दोनों दूरी जो तय करेगी वो बराबर करेगी, ठीक है, इसलिए हम इसमें S1 इज इक्वल टू S2 करेंगे। S1 हो गया किसका, आरेख, इस आरेख का क्षेत्रफल, और S2 हो गया इस आरेख का क्षेत्रफल, सेकंड ट्रेन का क्षेत्रफल और ये फर्स्ट ट्रेन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू 44 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 4, और हाफ 44 मल्टीप्लाई 44 प्लस 44 टी माइनस 44, ठीक है। ये देखिए, इस पे मैं आपको बताती हूँ, इसका एरिया हम लेंगे तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 44, इस आयत का क्षेत्रफल लेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 44, और यहाँ लेंगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 44, तो ये हमें क्लियर है कि 44 सेकंड बाद ये हमने टोटल टाइम टी लिया है, ये 44 सेकंड बाद टाइम को अचीव करती है, तो आप इसे टी माइनस 44 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 44 सेकंड बाद 22 की स्पीड को अचीव करती है, टोटल टाइम हो गया टी प्लस 40, तो ये हो गया टी माइनस 4, क्लियर। तो ये आपका आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 62 सेकंड, ओके।